सो गाइज गुड मॉर्निंग फ्रॉम अनदर रिजॉर्ट रिव्यू. दिस इज एट सतपुड़ा मड़ाई, ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क के साथ है ये. और ये इसका नाम है चीतल रिजॉर्ट. दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. लेट्स सी द प्रॉपर्टी फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड हाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड हाउ इट वर्क्स. सो आई हैव मिस्टर राम विद मी हु इज हैंडलिंग द प्रॉपर्टी. सो मुझे अच्छा लगा. हम लोग मतलब यू नो आई केम लास्ट नाइट, ठीक है. एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सो फार आई अंडरस्टूड इज कि अलग अलग कॉटेजेस हैं, ठीक है, और कॉटेजेस में मतलब जो हैं दूर दूर हैं. तो जब आप दरवाज़ा खोलेंगे, ठीक है, तो आपको सीधा आप जंगल ही में हैं. कोर बफर जोन है ये, तो आप जंगल ही में दरवाज़ा खोलेंगे. आपको रात को अगर आप ध्यान देंगे, पंखा बंद करेंगे, तो आपको पूरा जंगलों की डिफरेंट बर्ड्स की आवाज़ें आएंगी. तो पूरा जंगल में कैसा रहना होता है उसका एक आपको आइडिया मिलेगा. आप थोड़ा बताएंगे इस प्रॉपर्टी का बैकग्राउंड, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये और क्या क्या मतलब है यहाँ पर. जी नमस्कार, मेरा नाम राम है. आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर, राजस्थान. ये हमारा जो पूरा एरिया है वो 20 बीघे के अंदर है, और स्विमिंग पूल है, गार्डन है, और झूले हैं, गेम्स जोन है बच्चों के लिए, और सारी एमिनिटीज़ है हमारे पास. और इसके अलावा हम जंगल के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं, वो सफारी के अलावा भी हम राजस्थानी कल्चर डांस है, यहाँ का जो लोकल कालबेलिया है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं. तो यहाँ पर आप जब स्टार्ट करेंगे, एंट्री लेंगे, तो ये गार्डन है पूरा, ऑल द वे पूरा गार्डन है. मैं आपको शॉर्ट्स में दिखा दूंगा. ये काफ़ी अच्छा मतलब यू नो खुशनुमा माहौल है यहाँ पर. ये एक हट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ बैठ सकते हैं आप. यू नो यू कैन हैव योर गुड टाइम ओवर हियर. रात को यहाँ पर जो है मतलब 10-11 बजे के बाद रूम सर्विस नहीं होता है कंसिडरिंग सेफ्टी, क्योंकि वाइल्ड बोर काफ़ी यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर पीछे यू नो कैट मोमेंट्स भी होते हैं, मतलब तेंदुए वगैरह के मोमेंट्स भी होते हैं. चीतल रिजॉर्ट का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह की इंतज़ाम किया है जस्ट रिजॉर्ट के पड़ोस में ही, तो यहाँ पे चीतल वगैरह काफ़ी आ जाते हैं, मतलब अक्सर आप वो ऐसे ही दिख जाएंगे आपको. ये जो है यहाँ पर मेस हॉल है, ये भी पूरा ओपन मेस हॉल है. द कॉन्सेप्ट इज़ अगेन कि आप जो है मतलब यू नो पूरा जंगल ही में आप खाना खा रहे हैं, वो आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, तो वो आइडिया से ये बनाया गया है. बस हो गई, साफ हो गई वो बस. यहाँ पर अलग अलग पेड़ हैं और उनके ऊपर उनके नेम्स भी हैं, नेम प्लेट्स हैं पेड़ों के, और काफ़ी मतलब इसमें खुशनुमाई है, अच्छा है, वेरी नाइस. वो सामने था स्विमिंग पूल और मशान इस पेड़ों के पीछे, ठीक है. यहाँ पर गार्डन व्यू था इसलिए मुझे यहाँ वाला कॉटेज लिया मैंने. और ये एक झूला है, यहाँ आप इन्जॉय कर सकते हैं. उसके बाद ये जामुन की एक नस्ल है, यहाँ पर जो फ्रेश जामुन है आप भी खा सकते हैं. मतलब हाइजीन इश्यूज़ नहीं है, बिकॉज जो भी पंचर नहीं हुआ है ना वो आप खा सकते हो. ये साफ ही और आजिक है, क्योंकि अगर इस पर किसी ने भी वॉक किया तो ये ऑफकोर्स पंचर हो जाएगा. चलो रूम टूर करते हैं. दिस इज हाउ द रूम लुक्स लाइक. क्लीन लगा मुझे रूम. हमेशा मैं कहता हूँ कि वॉशरूम डिसाइड करेगा कि रूम कैसा है. तो वॉशरूम इज गुड, आई मीन सैनिटरी इज गुड. दिस इज द बाथिंग एरिया. गुड शावर, जैगुआर, नाइस. एक कपबोर्ड्स है एंड दैट इज हाउ इट इज. गाइज मैंने आपको बड़ा वाला वॉशरूम दिखाया, मैंने ऑब्जर्व किया वहाँ पर डव के साबुन है. ये चीज़ एक बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अक्सर आप 5-5 हज़ार रुपये एक रूम का खर्चा देते हो एंड देन आपको मतलब यू नो चीप सैनिटरी मिलती है, आपको चीप सोप्स आपको मिलते हैं. आई डोंट नो मतलब कॉस्ट कटिंग करना है तो 10 रुपये के साबुन पे क्यों करना है. जो आदमी 5-7 हज़ार रुपये आपको दे रहा है, ठीक है, तो उसको 10 रुपये की जगह 15 रुपये का साबुन दे दो आप, हाउ मच डज ए सोप कॉस्ट, ठीक है. तो ये चीज़ अच्छी नहीं है. यहाँ पर कॉर्नर्स कट नहीं करना चाहिए प्रॉपर्टी मैनेजर्स को. ए मरियम, कहाँ जा रही हो? कहाँ पर? वॉटर से कहाँ जा रही हो आप? आपके पानी में रहता है. कौन रहता है पानी में? कौन रहता है पानी में? पानी में क्रोकोडाइल रहता है. पानी में क्रोकोडाइल रहता है, आपको खा लेगा. आप जब छोटे बच्चों को येलो कलर के ड्रेस में रहते हैं ना, उनको बहुत जल्दी खाता है क्रोकोडाइल, आपको खाएगा मरियम क्रोकोडाइल. वाह वाह, कुछ भी नहीं चलता ये सब, वहाँ वहाँ फिर करने वाला खा लेगा आपको, इसको खा लेगा. हाँ, कहाँ जा रही? रुको 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 रुको. ये जो है मतलब ये यहाँ पर कॉटेजेस हैं. ये अगेन जो है एक बैठने का पूरा अच्छा प्लेस है. ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल यहाँ का अच्छा है, बड़ा है साइज़ में, ठीक है. आई थिंक सम बॉयज आर टेकिंग बाथ, सो आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द प्राइवेसी. ये कैंप फायर की जगह है ये वाली. पूरा जो आइडिया है वो यही है कि आप जंगल में हैं और जंगल की आप खामोशी को महसूस कर सकें और
एंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा वुडन हट है, अगर आप ये वाला कॉटेज लेते हैं तो ये पूरा वुडन हट का कॉटेज है। ये मशान इसको नाम रखा है इसका पूरा, और ये ठंडा भी रहता है काफ़ी। हम लोगों ने सामने वाला लिया था क्योंकि उसके सामने झूला भी है और जामुन का झाड़ भी है। ये पूरा अनदर गार्डन एरिया है जहाँ पर आप बैठ सकते हो। हम लोगों ने कल डिनर लिया था यहाँ पर, तो मैं नोटिस किया टेस्ट बहुत अच्छा था वाकई में, ठीक है। और खाना मतलब उसी टाइम बना था, तो इट्स नॉट लाइक फ्रॉम मतलब मास्टर ग्रेवी से लेके बना दिया। आई रियली लाइक द फूड ओवर हियर, आई वुड अप्रिशिएट इट। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, ये मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था इसलिए मैं बता रहा हूँ। हम लोग लंच भी यहीं से करके जाएंगे। खाने में आप बूफे भी ले सकते हैं, 450 आई थिंक 400 इसका शायद लंच है और 450 शायद डिनर है। आप आला कार्ड भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो मतलब यू कैन कस्टमाइज इट और यू कैन पे द बूफे प्राइस एंड आस्क फॉर समथिंग वट एवर अनलिमिटेड यू वांट। दैट इज़ समथिंग यू वर्क दैट आउट ऑन द टेबल। ये मशान पे यहाँ पर ये फोटोग्राफी हट है एक्चुअली, आप यहाँ पर फोटो तस्वीरें ले सकते हैं आप। इसके ऊपर एक कवर भी आता है, ठीक है, एक काइंड ऑफ ट्री हाउस बनता है वो। सो यहाँ पर नाश्ता आ गया है, आपका नाम क्या? सौरभ। सो सौरभ नाश्ता लेके आए हैं और मुझे यहाँ पर एक्चुअली नाश्ता करना है, आई मीन फेसिंग द जंगल। तो इंदौर के लोग हैं तो पोहा बना हुआ था एक्चुअली। खाना मेरे को डिनर इतना पसंद आया था कि आई रियली वांटेड टू टेस्ट द पोहा, ठीक है। सो हैविंग फूड हियर, खुशनुमाई है, अच्छा सुकून है, आवाज़ आप सुन सकते हो, इंसेक्ट्स की आवाज़ जो होती है, मतलब यू नो आपको आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कीड़ों से आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जंगल में हो, दिन में इतना मुश्किल नहीं है, रात को काफ़ी कीड़े आपके जो हैं आसपास रूम में, आप अगर दरवाज़ा खुला छोड़ दिया आपने तो आपको कीड़े रहेंगे, तो उस चीज़ को थोड़ा ख्याल रखें आप अगर आप बच्चों के साथ रह सकते हैं। मैं आपको अभी जामुन के झाड़ पे लेके जा रहा हूँ, अनदर वन, ये अनदर स्पीशीज है जामुन की, ठीक है। यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स के झाड़ हैं, चीकू लगे हुए हैं। यहाँ पर जो भी आप फ्रूट्स देख रहे हैं वो आप अगर वो पका हुआ है तो आप तोड़ के खा सकते हैं, बट आप ध्यान रखें कभी रोड साइड किसी बगीचे से आप निकल रहे हो कभी भी बिना परमिशन के वो चीज़ नहीं खाना, वो सही नहीं है। अगर आपको एक आम दिखता है पचमढ़ी साइड में आप जाओगे, आपको कई आम दिख जाएंगे, तो आप ऐसे तोड़ के नहीं खा लो भले ही वो रोड पे क्यों ना हो, बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ दैट बगीचा, यू नो। सो आस्क एंड टेक प्लीज़। अभी ये जो झाड़ी गिरी है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तब मैंने देखा कि एक मंकी ने उसको जो है तोड़ा और नीचे फेंका है। अब मैं देखने जा रहा हूँ इसमें कि इसमें जामुन मिल जाए हमें कुछ। ये राख देख के आप घबराइए मत, ये बॉनफायर का राख है। ये जो डगाली गिरी है यहाँ मंकी तो हमको नहीं दिख रहा, तो अपना आप कैसे टूट गया, ठीक है। ये तो एक नया फिर मतलब प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा यार। नहीं 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 सारों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये बिगर पार्टी जोन बॉनफायर के लिए अगर आप ग्रुप में हैं तो। सो दिस इज द बिगर जामुन्स यू कैन सी। जब आप रिजॉर्ट में आते हो तो मतलब हाउ ए रिजॉर्ट इज डिफरेंट देन ए बिजनेस होटल, इट्स बिकॉज जब आप जहाँ जा रहे हो आप वहाँ की तासीर को महसूस कर सको। सो जो एक कैंप फायर है, अगर कैंपिंग के अरेंजमेंट्स भी ये लोग आने वाले हैं आगे जाके, अभी मेरा डिस्कशन चल रहा था, मैंने पूछा था इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड, तो आगे जाके ये लोग कैंपिंग भी करवाएंगे, ठीक है। और जो मतलब यू नो पूरा सेटअप है किसी भी तरह का, अगर आपको कस्टमाइज करना है फैमिली के साथ है ग्रुप के साथ है, सो दे विल डू इट फॉर यू। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। ये एक अनदर ऑप्शन है मतलब रिजॉर्ट रिव्यू सीरीज में। स्टेकेशन के लिए मैंने पहले हनुमंतिया और सैलानी आइलैंड, अगर आपको इंदौर के पास में देखना है तो मैंने वो वीडियोज़ बनाए, आप देख सकते हैं आई बटन में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उसका। ये एक जंगल व्यू रिजॉर्ट है, ये इंदौर से या भोपाल से तो बहुत करीब है, इंदौर से लाइक 400 किलोमीटर्स रफली ऐसा कुछ है। एंड इट्स वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉपर्टीज, डिसेंट प्रॉपर्टीज, डिसेंटली प्राइस्ड, एंड आई लाइक इट। सो यू लेट मी नो हाउ इज इट, एनी रिजॉर्ट यू वॉन्ट टू कवर नेक्स्ट। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शोइंग ऑल द लव, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन इज बाय बाय।